सरकार द्वारा चलाए गए राजीव गांधी विद्युत योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर गांव को बिजली से जोड़ें, लेकिन कटिहार जिला में अधिकतर गांव में बिजली नहीं है। इनमें से एक गांव भथोड़िया है जो कि हसलगंज प्रखंड बेलवा पंचायत में पड़ता है। अभी तक इस योजना को इस गांव में धरातल पर नहीं उतारा गया है। आपका गाँव में कितना दिन से लाइन नहीं है? मेरी गाँव में शुरू से लाइन है, ये नहीं है। लाइन के चलते हम लोग को बहुत परेशानी आती है, क्योंकि बाल बच्चे को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, और मोबाइल भी अगर रखते हैं तो चार्ज करने के लिए दूसरे टोला में जाना पड़ता है। समय पर लोग चार्ज करके नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल होता है, कहीं बात करने में भी परेशानी होती है। हमारे माता पिता बहुत गरीब है, इसके लिए हमारे माता पिता को किरासन तेल खरीदने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए हम लोगों को बिजली देने के लिए सरकार को देना चाहिए, और इसके लिए हम लोग का जीवन में सुधार आ सकता है। और भी बहुत सारे कठिनाई होती है, घर में जैसे भोजन ही बनाना हो तो उसमें भी अंधियारी में हम लोग बहुत मुश्किल से जीवन बिताते हैं। कि राशन तेल भी अगर लेने के लिए जाते हैं बाज़ार में तो 50 रुपया लेता है, हम मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, उतना पैसा मेंटेनेंस कहाँ से कर पाएंगे। तो आप आवेदन किए थे? आवेदन तो नहीं दिए अभी। तो अपने गाँव में क्या क्या किए? क्या क्या किए, सब कोई मिल के गए पावर हाउस, वहाँ जाके पूछे इसी से ओवरसियर से, वो बोले अब कि नहीं अभी जो है तो ओवरसियर बदली हो गया है तो 2-4 दिन के बाद। हम फिर आप लोग चाहते क्या है? चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर लग जाएगा, पूरा बड़ा गांव है, लाइन नहीं है तो उसमें ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो हम लोग को सुविधा होगा, अच्छा होगा। मैं चाहती हूँ कि इस गांव में जल्द से जल्द बिजली का कनेक्शन दिया जाए। जितने ही भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे जिला विद्युत सहायक अभियंता का मोबाइल नंबर है 77-63-81-53-34, इन पर कॉल करके दबाव बनावे जो कि जल्द से जल्द इस गाँव में बिजली का कनेक्शन दिया जाए और यहाँ के समुदाय की समस्या हल हो जाए। मैं हूँ रीना, ग्राम भथोड़िया, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया नेट के लिए।